हमें गंगोली दत्ता उड़ते उड़ते खबर हमरे कानों में आई है कि तुमरा अध्यक्ष की कुर्सी छिन गई है, उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। जे रोजर बिन्नी कौन रेटी जिसने आपकी कुर्सी पर कब्जा किया है उसको हम बताओ, हम डंडा लेके भगा कर के आएंगे। अमे हाँ यार रोहित भाई तुमने सही सुना, अब हमरे को BCCI अध्यक्ष से हटा दिया गया, अब तुम्हारे दुख दर्द कौन सुनेगा। जब पंतवा के बैटिंग ना चलने पर कौन बार बार खिलाएगा पंतवा, अब तो तुमरा का गया बंटा डार होने वाला है। अमे गंगोली दादा ये तो अच्छा हुआ तुमने जिस तरीके से हमरे साथ में धोखा किया था, कप्तानी हमसे छीन करके रोहित भाई को दे दी थी, उसी तरीके से तुमसे भी BCCI की कुर्सी किसी ने छीन ली है तो अच्छा हुआ हमारे लिए। हमें ये क्या कोहली भाई अच्छा क्यों हुआ, इतने दिनों से तुम फ्लॉप चल रहे होगे, उसका साथ किसने दिया, गंगोली दादा ने। अगर गंगोली दादा साथ न देते तो तुमरे को अभी तक टीम इंडिया से निकाल दिया जाता, और फिर भी तुम गंगोली दादा की बुराई करने में लगे डले होगे, ये गलत बात होती कोहली। हमें हाँ कोहली भाई रोहित भाई सही बोल रहे, गंगोली दादा ने हम सबके लिए कितना कुछ नहीं किया, पांड्या को तो गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया, हमरे को टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया, हमरे लिए कितना कुछ नहीं किया गंगोली दादा ने। अमे गंगोली दादा ये तो सही बात है, तुमने हम सबके लिए बहुत कुछ किया लेकिन तुम्हारे लिए हमने कुछ भी नहीं किया। अब तुम ये बताओ रोजर बिन्नी ये कौन है, अभी हम उसको डंडा लेके भगा करके आएंगे, तुम्हारी कुर्सी से हटाएंगे उसको। अमे फुमफुम पांडे टू का पगला जाटी सचरी का ऐसे कैसे किसी को डंडे से बजा देगा, रश्मि का वो स्टुअर्ट बिन्नी है ना अपना टीम इंडिया का खिलाड़ी, उसी के दादाजी हैंगे रोजर बिन्नी, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया BCCI कप की बार। अरे बाबा क्या बात है, इधर तो टीम इंडिया में भाईचारा चल रहा है, तभी हम सोचे कोई भी रनबा नहीं बनाता है फिर भी टीम से क्यों नहीं निकाला जाता है, इधर तो सभी लोगों का भाईचारा चल रहा है तो दूसरे को मौका कहाँ से मिल पाएगा। हमें ओ बूढ़े बूढ़े चाचा कबर में पैर लटकाने वाले, तुमको टीम इंडिया के भाईचारा से क्या नफरत होती हो, तुम होते कौन, इधर कैसे आ गए तुम। हमें फुमफुम पांडे जिसको तुम अभी डंडा लेकर के कूटने वाले थे वो ही हम ही होते रोजर बिन्नी, हमने सोचा पांड्या इतना दूर कहाँ भक्के आएगा, हम ही उसके पास में चलें वो हमको कूट लेगा उधर ही।